हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल डीआरलोजी। आज का वीडियो द कूलेस्ट फ्रूट कुकुम्बर के ऊपर है। जी हाँ, शायद ही कोई जानता होगा कि कुकुम्बर कोई वेजिटेबल नहीं बल्कि एक फ्रूट है। ये मेलन्स और स्क्वाश के ही तरह कुकुरबिट्स यानी कि गॉर्ड फैमिली का फ्रूट है। वैसे तो हमारी बड़ी सी डिश में इसका रोल काफी छोटा रहता है, लेकिन इसके बिना कुछ अधूरा तो रहता ही है। वेट लूज डाइट का सबसे बढ़िया ऑप्शन यानी कि क्यूकुम्बर में कैलोरीज काफी कम और विटामिन्स मिनरल्स ढेर सारी मात्रा में होते हैं, इसलिए इसे खाने से वेट कंट्रोल में रहता है और न्यूट्रिशन भी पूरा मिलता है। क्यूकुम्बर में 95% से भी ज्यादा पानी होता है, मतलब कि ये हमें हाइड्रेटेड रखने वाला फूड है। खास करके समर सीजन में रेगुलरली फ्रेश क्यूकुम्बर खाने से बॉडी हाइड्रेटेड रहती है। पानी की मात्रा शरीर में बनी रहना भी बहुत आवश्यक है। ज्यादा वाटर कंटेंट होने के कारण इसे खाने से आंखें तेज और स्किन हेल्दी रहती है। विटामिन ए के कारण इसे खाने से ये स्किन में कोलाजन प्रोड्यूस करता है। कोलाजन के कारण स्किन टाइट रहती है, जिससे रिंकल्स और फाइन लाइंस कम दिखते हैं। ये डार्क स्पॉट्स और एजिंग के प्रोसेस को स्लो करता है, मतलब कि ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। साथ ही में ये विजन इम्प्रूव करता है, यानी कि इसे खाने से छोटी उम्र में आंखों में एलर्जी या फिर चश्मे नहीं लगते। एक कप कुकुम्बर से 152 मिलीग्राम पोटेशियम मिलता है। पोटेशियम से ब्लड प्रेशर लो रहता है। ये सोडियम के लेवल को कंट्रोल करता है, जिससे आर्टरीज में ब्लड क्लोटिंग नहीं होता और इससे ब्लड सर्कुलेशन ठीक से होता है। लिग्निन एक ऐसा एंटी इंफ्लामेटरी एलिमेंट है जो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को हेल्दी रखता है और इम्यूनिटी बनाए रखता है। रेगुलर कुकुम्बर खाने से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। ये बॉडी में ऐसे हॉर्मोन्स क्रिएट करता है जो इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए डायबिटिक पर्सन को भी कुकुम्बर जरूर खाना चाहिए। इसका हाई वाटर कंटेंट किडनी और यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ी समस्याएं जैसे कि किडनी स्टोन को रिड्यूस करता है। कुकुम्बर अपने वाटर कंटेंट और फाइबर कंटेंट के कारण फीलिंग फूड कहलाता है। इसे खाने से पेट भर जाता है और एपेटाइट सेटिस्फाई होती है। डाइटरी फाइबर डाइजेशन सिस्टम को हेल्दी रखता है, क्योंकि इससे डाइजेशन फास्ट और ठीक से होता है। इसे वेट भी कंट्रोल में रहता है, क्योंकि ये बॉडी में एक्सेस फैट जमा नहीं होने देता। फाइबर के साथ इसमें पाए जाने वाला एरेप्सिन एंजाइम डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने में और प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन बढ़ाने में मदद करता है। इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरियाज डाइजेशन में मदद करते हैं और बैड बैक्टीरियाज डाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कुकुम्बर में पेक्टिन होता है, जिसके कारण गुड बैक्टीरियाज बढ़ते हैं और बैड बैक्टीरियाज कम होते हैं। इसे कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक अल्सर जैसी पेट की बीमारियां दूर रहती है। कुकुम्बर में एस्कॉर्बिक एसिड और कैफिक एसिड अच्छी मात्रा में होने के कारण ये बोन्स, नेल और टीथ को स्ट्रॉन्ग रखते हैं। कुकुम्बर खाने से कनेक्टिव टिश्यूज स्ट्रॉन्ग रहते हैं, क्योंकि इसमें सिलिका भी पाया जाता है। ये बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने और इसका अच्छा ग्रोथ करने में बहुत ही सहायक है। जैसे कि हम जानते हैं कि इसमें वाटर कंटेंट काफी ज्यादा है, ये लीवर की इम्प्यूरिटीज, टॉक्सिन्स और वेस्ट को रिमूव करता है। रेगुलर फ्रेश कुकुम्बर खाने से बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस स्पीडी बनती है। एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टी के कारण ये स्किन को ग्लो देता है। नेचुरल फेस मास्क के तौर पर इसे यूज करने से ड्राइनेस, एक्ने, इरिटेशन जैसे स्किन इश्यूज से छुटकारा मिल सकता है। इससे मिलते न्यूट्रिएंट्स में कैंसर सेल्स को अर्ली स्टेज पर ही रिमूव करने की क्षमता है। वेजिटेबल्स में पाए जाने वाले फाइटोकेमिकल्स कैंसरियस प्रॉपर्टी के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो हार्मफुल फ्री रेडिकल को रिड्यूस करके इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं और बैक्टीरियाज और वायरसेस के इन्फेक्शन से बचाते हैं। रेगुलर कुकुम्बर खाने पर अल्जाइमर होने का खतरा कम रहता है, क्योंकि इससे हमें फिसिटिन मिलता है, जो नर्वस सिस्टम में होते एजिंग डिक्लाइन को रिड्यूस करता है। इससे ब्रेन की एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है। कुछ लोग कुकुम्बर में से सीड्स निकाल के खाना पसंद करते हैं, जबकि कुकुम्बर के सीड्स बैड ब्रीथ की मानो अक्सर दवाई है। इसे खाने से स्टमक में जो एक्सेसिव हीट रिलीज होती है, इससे होने वाली बैड ब्रीथ की प्रॉब्लम कम हो सकती है। मुंह में सिर्फ कुकुम्बर की स्लाइस रखने से बैड बैक्टीरियाज नष्ट होंगे और ओरल हेल्थ इम्प्रूव होगी। इसे खाने से बॉडी में पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन का लेवल मेंटेन रहता है। इससे फ्री रेडिकल्स रिमूव होते हैं और बॉडी अल्कलाइज रहती है। विटामिन बी एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसी हार्मफुल फीलिंग की इफेक्ट को रिमूव करने में हेल्पफुल है।
ये कूलेस्ट फ्रूट कम वेजिटेबल हेल्दी है और सभी को इसे जरूर खाना चाहिए, मगर उन्हें नहीं जिन्हें इसे खाने से एलर्जिक रिएक्शन जैसे कि डायरिया, वॉमिटिंग या फिर नौसिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती हो। गलती से ही सही, मगर आपने कड़वी ककड़ी जरूर खाई होगी। उसके कड़वेपन का कारण टर्पेनोइड नाम का टॉक्सिन है। कुकुम्बर 12 महीने मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, लेकिन फिर भी जितना हो सके रीजनल और सीजनल वेजिटेबल खाना ही प्रीफर करें। फ्रेश और ब्राइट ग्रीन रंग के साथ टाइट स्किन कुकुम्बर ही परचेज करें। साथ ही में इसे टैप वाटर से साफ करके ही कंज्यूम करनी चाहिए ताकि पेस्टिसाइड्स और डर्ट से ये फ्री हो जाए। खाते वक्त इसे पील के साथ खाना ही प्रीफर करें, क्योंकि इसमें फाइबर, विटामिन और फाइटोकेमिकल्स है जिन्हें ऐसे ही वेस्ट तो नहीं करना चाहिए। इस कूलिंग फ्रूट कम वेजिटेबल को अपने रेगुलर डाइट में शामिल करें और अपनी फैमिली की हेल्थ बनाएं। तो दोस्तों, ये थी कुकुम्बर से जुड़ी कुछ हेल्थ इन्फॉर्मेशन। आशा करते हैं ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी हेल्थ से जुड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डाउनलोड करें डीआरलॉजी ऐप, जहाँ पे आप अपने फूड, वाटर, एक्सरसाइज, हैबिट और हेल्थ से जुड़े पैरामीटर्स ट्रैक कर सकते हैं। साथ ही में मेडिसिन रिमाइंडर सेट कर सकते हैं और अपने और अपनी फैमिली के मेडिकल रिकॉर्ड्स स्टोर कर सकते हैं। ढेर सारे फीचर्स के साथ आपको मिलेगा मौका यहाँ पर डीआरलॉजी कॉइन्स जीतने का। तो देर ना करें, जल्दी से डाउनलोड करें डीआरलॉजी ऐप। अब हम अपनी हेल्थ के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, है ना? Just visit our website, install our app and follow us on social medias. Link is given below in description box. Stay connected, stay healthy and fit. Thank you for watching.